मालेगांव ब्लास्ट केस में 31वां गवाह पलटा, कोर्ट में बोला प्रज्ञा ठाकुर को नहीं जानता। एनआईए का एक और गवाह मालेगांव बम ब्लास्ट केस में अपने बयान से पलट गया है। मुंबई के एक कोर्ट में सुनवाई के दौरान गवाह ने आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को पहचानने से इनकार कर दिया। इस मामले में अब तक कुल 31 गवाह बयान देने से पीछे हट चुके हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव बम ब्लास्ट केस में ये 31वां गवाह था। एनआईए गवाह को मध्य प्रदेश से मुंबई लेकर आई थी, लेकिन गवाह अपने बयान से पीछे हट गया। रिपोर्ट के अनुसार केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा अपने वकील के साथ मुंबई कोर्ट आई थी। सुनवाई शुरू हुई, गवाह कटघरे में आया, तभी गवाह ने कहा कि एक अधिकारी ने उससे पहले से लिखे एक बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। गवाह ने और भी आरोप लगाए, उसके साथ मारपीट के, प्रताड़ित किए जाने के। गवाह ने कहा कि मामले की जांच कर रही एटीएस ने उससे बयान पर साइन करने को कहा था। यही नहीं, गवाह ने आरोप लगाए कि उसे करीब 20 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया था। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक गवाह को मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी रामजी कालसांगरा रिश्तेदार बताया गया। एटीएस को दिए अपने बयान में गवाह ने कहा था कि उसने कालसांगरा को बाइक का इस्तेमाल करते देखा था। वो बाइक उसे प्रज्ञा ठाकुर ने दी थी। गवाह ने ये भी बताया कि उसे भी साध्वी से मिलवाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मालेगांव ब्लास्ट केस में 20 से 22 गवाहों के बयान होने अभी बाकी है। इनमें से अधिकतर इस मामले में जांच करने वाले पुलिस अधिकारी हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जनता की अलग अलग राय देखने को मिल रही है। अयाज नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया, केस को और लंबा खींचते जाए ताकि एक एक कर सभी गवाह डरा धमका कर हटा दिए जाए। मोहम्मद तारिक नाम के एक यूजर ने पूछा, इसमें किसी को कोई ताजुब हुआ? मुझे तो नहीं हुआ। माजिद सुहेल नाम के एक यूजर ने लिखा, कुछ दिनों में ये पूरी बरी हो जाएगी। एक और ट्विटर यूजर ने इस मामले पर कहा, अगर वो नहीं पलटता तो उसकी गाड़ी पलट जाती, इसलिए अपनी जान की सलामती के लिए ऐसा करना पड़ा उसे। मिलिंद धूमले नाम के एक शख्स ने लिखा, बयान से पलटा तो उस पर कार्रवाई का प्रावधान है, क्यों डर रहा है? क्या किसी ने धमकी दी है? तो इसकी जांच जरूरी है। अमृता त्रिपाठी नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, काफी समय हो गया है, भूल गया होगा चेहरा। मालेगांव ब्लास्ट केस में 31वां गवाह पलटने वाले इस मामले को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।